अस्सलामुअलैकुम क्लास टू, आज हम अपना वर्कबुक का पेज नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इस पेज की रीडिंग करवा दी थी, आपको डायरी भी इसकी रीडिंग की दी थी। आई होप सो आप लोगों ने इसकी रीडिंग की होगी। आज हम इसकी जो है वर्कबुक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है लाइट एंड शेडो। अच्छा, ये एक ना एक्टिविटी है आपको, जो फर्स्ट पार्ट में आपने ये घर में लास्ट में आपने ये एक्टिविटी करनी है। आप स्कूल तो आ नहीं रहे, तो आपने ये एक्टिविटी घर में करनी है। इसमें क्या है, मेक टू होल्स इन अ शू बॉक्स। आपने एक शू बॉक्स लेना है, ये देखे जैसे ये लिया हुआ है, उसमें आपने होल दो होल कर देना है। एक ऊपर से उन्होंने किया हुआ है, अपर साइड से किया हुआ है होल, और एक साइड से किया हुआ है, ठीक है। आपने उनमें दो होल कर दिए हैं। फिर आपने इसके अंदर ना कोई कोई भी ऑब्जेक्ट रख देना है, कोई इस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ रख देनी है। फिर आपने ये जो होल बी है ना, यहाँ से आपने देखना है कि आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, विदाउट लाइट यू सी व्हाट यू सी इन दिस बॉक्स, ठीक है। देन आपने टॉर्च रखनी है यहाँ पर, यहाँ पर ए होल में आपने एक टॉर्च रखनी है। देन आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको उसकी उसके जो शेप है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपने अंदर रखा है वहाँ से आपने होल बी से ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। ये आप एक्टिविटी है, एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए, बड़े मसी की एक्टिविटी है, ये आपने लास्टमी घर में करनी है। हम नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कलर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये देखिए चार चीज़ें दी हुई हैं आपको। देखिए आपको यहाँ पर इन्होंने ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपको, सोर्सेज दी हैं लाइट की, इसमें से आपने नेचुरल सोर्स बतानी है, और वो हमारे पास सन जो है वो हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है। देन आपने दो नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज की आपने डायग्राम्स बनानी है, अच्छी अच्छी से डायग्राम्स बनानी है, और इसके अंदर कलर भी करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। हमारी इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स क्या है, सन। सन हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है, जिसके बगैर हम लोग अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते हैं। उसके बाद देन आपके पेज नंबर 21 में ना एक और एक्टिविटी है, ये भी बहुत मज़े की एक्टिविटी है, हम इसको भी रीड करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। और आप लोगों ने ये वाली एक्टिविटी भी घर में लाजमी करनी है, ठीक है, और मुझे बताना है कि आपने ये एक्टिविटी की और आपने क्या ऑब्जर्व किया है इसमें से। इसमें आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, ट्यूब लेनी है, रूलर लेना है, टॉर्च लेनी है, ठीक है। सबसे पहले रोल द चार्ट, एक चार्ट पेपर लेना है, उसको आपने रोल कर लिया, ठीक है, ग्लू स्टिक से आपने उसको जोड़ दिया, एक पाइप जिसमें पाइप होते हैं ना गोल सा, आपने वैसा बना देना, ठीक है। पुट बर्निंग लाइट ऑन द टेबल, आपने इस तरह एक लाइट रख देनी है, और फिर आपने ना यू ना ऑब्जर्व करना है, यहाँ से इस जो होल होगा ना यहाँ पर दोनों साइडों पर आपने होल रहने देना है, और वहाँ से आपने लाइट को ऑब्जर्व करना है। एक ऑब्जर्वेशन आपकी ये होगी। देन आपने क्या करना है, वही जो आपका पेपर होगा उसको आपने थोड़ा सा बेंड कर देना है इस तरह, ठीक है। बेंड करके आपने उसकी भी लाइट को ऑब्जर्व करना है, तो आपने देखना है कि आपको दोनों में क्या डिफरेंट फील हुआ है, कि दोनों में से किस में आप जो है लाइट को ठीक तरह से ऑब्जर्व कर पाए हैं, ठीक है। शेयर योर ऑब्जर्वेशन ट्रैवलिंग फ्रॉम द लाइट एंड स्ट्रेट ट्यूब। आपने बताना है फिर कि आपने जब स्ट्रेट ट्यूब से लाइट को देखा है तब आपने क्या ऑब्जर्व किया, और जब आपने बेंड ट्यूब से लाइट को देखा है तब आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स हैं, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इस कंक्लूजन देखें, आप जब करेंगे ना, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आप जब स्ट्रेट ट्यूब से लाइट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो आपको लाइट नज़र आएगी, ठीक है। मतलब कि लाइट आपको नज़र आ रही होगी कि कोई लाइट चल रही है, ठीक है, लाइट पास हो रही होगी, आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा ये चीज़। लेकिन जब आप लाइट बेंड करेंगे ना, तो देन लाइट पास नहीं हो रही होगी। तो इसका हमारा कंक्लूजन क्या है कि हमारी जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बेंड ट्रैवल नहीं करती है। लाइट ट्रैवल, इट कंक्लूड दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। थैंक यू क्लास, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।